हसन भाई क्या हाल है? अरे भैया जी 2 मिनट रुके, अभी आपके लिए करक चाय बनाता हूँ अदरक डाल के। हाँ जल्दी ला, सर भी काफी दर्द कर रहे हैं। सुबह सुबह इनको मैं ही मिला, नौकरी तो मिलती नहीं है, छोकरी मिलेगी। क्या हुआ साहिल, तू उदास क्यों इतना? भैया आज मैं अपने कॉलेज में एक फ्रेंड को नोट दे रहा था, उसी वक्त ये लो प्रियंका तुम्हारा नोट। थैंक यू सो मच साहिल। अच्छा ठीक है मैं अभी चलती हूँ, तुमसे बाद में मिलते हैं। ओके बाय बाय। गरीबों के ऋतिक रोशन, ये कंप्यूटर ना किसी और के साथ बनाना समझे। अगर प्रियंका के साथ कॉलेज में दिखा भी ना तो नंगा नाच नचवाऊंगा तुझे। भैया वो तो मैं सिर्फ उसको नोट दे रहा था, और वैसे भी मैं आपकी बात क्यों सुनूं? अबे गरीब को देख, जवान भी चलाता है। छोटे औकात में रहो, तुम जैसे छोटे लोग ना हम जैसे बड़े लोगों के सामने ना उसी आवाज में बात नहीं करते, बल्कि हमारे पैर छूकर ना सलाम करते हैं। अरे बेटा सलाम तो करते जा। तो चल मेरे साथ। भैया जी आप में से अप्रोच कौन है? अरे तुम तो वही हो ना जिसका मोड़ पे चाय का दुकान है। जी भैया जी। क्या हुआ बे? हमें अफरोज, अब चाय क्या होम डिलीवरी शुरू कर दिया है? दरअसल साहिल हमारा छोटा भाई है, और ये कह रहा था कि आप इसके साथ बदतमीजी किए हैं। हाँ तो क्या कर लोगे तुम? देखिए भैया आप देखो और सुनो, तुम ये जो तुम्हारे छोटे नवाब है ना इसे कहो औकात में रहे। एक चाय वाला है, चाय वाला बन के रहे, ज्यादा आसमान में ना उड़े। देखिए भैया आप तो बदतमीजी कर रहे हैं। हाँ तो कर रहे हैं तो क्या कर लोगे तुम? औकात क्या है तुम्हारी? छोटे लोग हो छोटे ही रहो। कुछ नहीं करेंगे भैया जी, हमें लगा था कि बड़े लोग पैसों के साथ साथ इज्जत भी कमाना जानते हैं, पर अगर बड़े लोग और पैसे वाले लोग आप जैसे होते तो हमें पैसे वाला या बड़े लोग कभी नहीं बनना। अरे ये सुन क्या कह रहा है, ये चाय वाला चाय पिलाकर बड़ा आदमी बनेगा। नमस्ते करो भाई सब इनको, हमारे आने वाले नए प्रधानमंत्री। हंस लीजिए, आज आपका वक्त है, कल हम हंसेंगे जब हमारा वक्त हो। अबे जा जा दिमाग ना खराब कर, अपना ये डायलॉग ना कहीं और जाके मारना है, और दो चाय लेके आ। और एक मेरा भी।
अरे सर जी भैया जी बोलिए ना उदास क्यों कुछ नहीं आप रुके मैं आपके लिए अभी चाय बना के अरे नहीं नहीं रुक मैं आज तुझे कुछ बताने आया जी भैया जी बोलिए मैं अपने मैनेजर से बात किया था उन्हें दो लोगों की ज़रूरत है अपने नए रेस्टोरेंट के लिए तो मैं सोच रहा था तुम और साहिल अगर वहाँ ज्वाइन कर लेते तो यहाँ डे शिफ्ट हो जाता वहाँ नाइट शिफ्ट इसमें कुछ पैसा भी आ जाता तुम्हारा अरे भैया जी ये तो आपने काफ़ी सही बात कही है आपका बहुत बहुत शुक्रिया भैया जी शुक्रिया का कोई ज़रूरत नहीं है चलते एक चाय पे जी भैया जी अभी बनाते हैं बना काफ़ी अच्छा रेस्टोरेंट है ना हाँ और यहाँ के सर भी कितने अच्छे हैं सही कहा भैया कुछ भी नहीं कहते ये सब ओके ठीक है तो रुक मैं देख आ रहा हूँ अरे बाप रे ये देखो कौन है बड़े साहब आ गए देखो देखो इनका तो वक्त ही बदल गया इम्प्रूवमेंट चाय वाले से सीधा रेस्टोरेंट का वेटर मानना पड़ेगा भाई तुझे जवान का बड़ा पक्का है तू उस दिन कहा था वक्त बदलेगा और बदल दिया पर भाई मैं कल भी हंस रहा था और आज भी हंस रहा हूँ अब कुछ नहीं कहना अच्छा डायलॉग याद करके नहीं आया ना चल माफ़ किया अगली बार जब आएगा ना तो डायलॉग याद करके आना और ये ले तेरा टिप 10 रुपये है यही तेरी और आप वो लोग के बात को इग्नोर करो ना वो लोग तो है ही ऐसे प्लीज भैया आप अपना मन मत उदास करो Excuse me. ये आपका फोन भूल गई थी oh, thank you so much. You're welcome. अरे साहिल तुम यहाँ हाँ एक्चुअली मैं यहीं पे जॉब करता हूँ और ये मेरे भैया बताया था मैं आपको मेरे भैया ओ हेलो शान काफी तारीफ सुनी है तुम्हारी साहिल के मुंह से साहिल थैंक यू सो मच फॉर द नोट्स काफ़ी अच्छी लगती कौन थी अरे भैया ये वही है जिसके लिए उन लोगों ने मुझसे झगड़ा किया था एक्चुअली ये ना कॉलेज की सबसे अमीर लड़की है तो वो इसके पीछे पड़ रहा था पर ये सबसे भाव भी नहीं देती अच्छा सर ठीक है जा तू काम कर मेरा पैसे कहाँ है देखिए मुन्ना भाई मेरी कंपनी पूरी डूब गई है अब मेरे पास कुछ नहीं बचा है वो सब मुझे नहीं पता एक हफ्ते के अंदर मुझे मेरे पैसे नहीं मिले ना जो जान बची तेरे अंदर वो भी नहीं बचेगी समझे ठीक है मुन्ना भाई हमारा एक जमीन है हम उसे बेच रहे हैं इसी हफ्ते में पार्टी आने वाला है वो जैसे ही आते हैं हम उन्हें जमीन बेच के आधा पैसा आपको दे देंगे ठीक है इस हफ्ते मुझे मेरे पैसे अगर नहीं मिले ना तो जमीन के पेपर मेरे हाथ आ जाने चाहिए लेकिन भैया जी वो जमीन तो करोड़ों का है तेरे जिंदगी से ज्यादा कीमती नहीं है ना ठीक है भैया जी ठीक है सर आज आप आ रहे हैं ना अगर आप आज नहीं आए तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी ठीक है सर ठीक है फिर हम यहीं वेट करते हैं आपका
मेरा मतलब आप? हाँ मैं। अब जल्दी दिखाओ क्या दिखाना है, मेरे पास टाइम नहीं है। हाँ ये देखिए ना, ये रही जमीन और पेपर्स तो मैं आपको मेल कर ही चुका हूँ, और ये रही पेपर्स तो बस मैं बस मुझे तुम्हारी जमीन नहीं लेनी। क्यों, क्या हुआ सर? बस नहीं लेनी। ऐसे कैसे नहीं लेना, आपने कहा था आपको लेना है, आपको पसंद भी है और आपने फिक्स भी किया था प्राइस, और अभी आप कह रहे कि नहीं लेना है, ऐसा नहीं कह सकते आप। आप हंस क्यों रहे हैं? हंस नहीं रहा, कुछ याद दिला रहा हूँ तुझे, याद कर 3 साल पहले। अब तो सोच रहा होगा ये सब कैसे हो, जरा बोल। कहते ना अच्छे लोगों के साथ सिर्फ अच्छे ही होते हैं, और ये भी तुझे पता ही होगा प्यार दिल से होता है, पैसे से नहीं। अब तो सोच रहा होगा ये सब कैसे होगा, एक छोटा सा फ्लैशबैक दिखा दो। कि तुझे वो रोमांटिक स्टोरीज फ्लैशबैक दिखाने की ज़रूरत नहीं है, समझदार है, समझ ही गया होगा। अब बताने जाऊँगा ना तो वीडियो लंबी हो जाएगी, समझ जा मेरे भाई। सान भाई प्लीज़ ऐसा मत करो, प्लीज़ मैं लूट जाऊँगा, बर्बाद हो जाऊँगा, मैं टोटली आपके ऊपर डिपेंड हूँ, अगर आपने ये ज़मीन नहीं ली तो मैं पूरी तरह से बर्बाद हो जाऊँगा। प्लीज़ साहिल भाई प्लीज़ शान को समझाओ, प्लीज़ भाई प्लीज़ समझाओ इसे। तो हम क्या करें? वो कहा था ना तूने कि अगली बार मिलेगा तो डायलॉग याद करके आना, इस बार हम दोनों ने किया। अपना ख्याल रखना बेटा। हाँ हेलो मुल्ला भाई, कुछ दिन तक पेपर रख के सबक सिखाना, जब अकल ठिकाने आ जाए तो पेपर वापस कर देना। चलो ठीक है, बाय। इसको ज़्यादा सीरियस मत लेना, ये सिर्फ दो ही लोगों की ज़िंदगी में होता है, एक किस्मत वालों के और एक हमारे जैसे स्क्रिप्ट राइटर के। एक्शन। वो सब मुझे नहीं पता। एक्शन। वो सब मुझे नहीं पता। एक्शन। वो सब मेरे को नहीं पता। एक्शन। वो सब मुझे नहीं पता। एक्शन। वो सब मुझे नहीं पता। एक्शन। वो तो मुझे नहीं पता, समझे?